मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारे आबा ही थे ना जिन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी विराट को सौंपी थी? मुझे एक वादा दे, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ, मैं सही का ख्याल रखूंगा। और तुम उसी विराट को छोड़ के जा रही थी क्योंकि तुम उससे नाराज थी, तो फिर आज तुम उसी विराट को इस रूम से बाहर क्यों नहीं जाने दे रही थी? साई, प्लीज मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, क्या चाहती हो, विराट तुम्हारी जिंदगी में रहे या नहीं? मुझे तुम्हारी उलझन साफ साफ नजर आ रही है। इस वक्त तुम दो अलग अलग इमोशन से जूझ रही हो। लेकिन सही, जरूरी नहीं है कि हर उलझन को एकदम से ही सुलझा दिया जाए। It's not necessary. You take your time. तुम्हें अपने आप को या मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है अभी। लेकिन हाँ, इत्मीनान से आराम से बैठ के सोचो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में विराट चाहिए या नहीं। सही, तुम्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है ना? लेकिन सही, जहां तक मुझे पता चला है, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जो ये प्रे कर रहे हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो फिर तुम अकेली कहां से हो गई? तो सही, अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं, तो फिर तुम अपनी खुशियों की डोर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में क्यों थमाना चाहती हो? ओके ओके ओके, अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और हर उस इंसान के बारे में सोचो जो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुमने अपनी खुशियों की डोर जो अब तक दूसरों के हाथ में दी हुई थी, अब तुम्हें अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और हाँ सही, नागपुर से दूर जाकर खुद के साथ नाइंसाफी मत करो। पता है सही, कभी कभी जिंदगी की तस्वीर फासले से देखनी चाहिए। एकदम साफ नजर आती है जो तुम नजदीक से नहीं देख पा रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहां तक आने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बोलो 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 बोलो। मैं कैसे सामने करूं? उन लोगों के कैसे सामने फिर सामना जिनकी वजह जिनसे मेरी जिंदगी में हमेशा तकलीफ ही आई है। नो बेटा, नो 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 नो, टेक केयर। That's good. तुम्हें पता है, कभी-कभी हम जिन बातों को तकलीफें समझते हैं ना, वो दरअसल में हमारी टूटी हुई उम्मीदें होती हैं, जो कांटों की तरह हमारे दिल में हमेशा चुभती रहती हैं। और ऐसी सिचुएशन को डील करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो,
ना किसी से तुम उम्मीद रखोगी और ना ही उसके टूटने का कोई दर्द होगा। सिर्फ एक ही चीज करो, अपने लिए और दूसरों के लिए जो तुम्हें सही लगे, जो सही हो, बस वही करो, बिना किसी से कोई उम्मीद रखे हुए। तुम ऐसे करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सही, और एक बात कहूं, उम्मीदों का बोझ उस पे नहीं होता है जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, बल्कि उस पे होता है जो उम्मीद लगाता है। तो बस एक बार अपने आप को इस बोझ से आजाद करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर, अपनी बातें सुन के मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ गई, लेकिन जो लेकिन होता है ना, ये लेकिन शब्द हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहता है। खैर, इसी से तो हमारी पहचान होती है, हमें इंसान होने का एहसास होता है। और एक बात बताऊं, इस लेकिन का जवाब भी हमारे अंदर ही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सही, हॉस्पिटल में ऐसे ही लंबे समय तक पड़े रहने का इरादा कर चुकी हो क्या? फिर तुम्हें अपने परिवार वालों से नहीं मिलना, वो भी तो तुम्हें मिस कर रहे होंगे। नहीं नहीं। ओ तो फिर जब तुम बेहोश थी ना, तो वो सारे लोग जो तुम्हारे ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारे लिए उनका प्यार और उनकी चिंता की कोई और वजह है तुम्हारे पास? तुझे पता है, आज मैं बापा के बड़े वाले मंदिर गई थी, मैंने तेरी सेहत के लिए प्रार्थना की। उनकी हरकतें, उनकी बातों से भले ही मेल ना खाती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए उनकी परवाह और उनके प्यार में कोई दिखावा नहीं था। तो इसलिए तुम्हारा ये सोचना कि इस दुनिया में तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी सोच है, और सोच हमेशा सही या सच नहीं होती। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, और तुम जल्दी से ठीक होके अपने कॉलेज जाना चाहती हो ना, अपनी पढ़ाई फिर से दोबारा से नहीं करना चाहती? देखना, थोड़े ही सालों में बस तुम सई जोशी से डॉक्टर सई जोशी बन जाओगी, मेरी पेशेंट एक दिन मेरी कुलीग बन जाएगी। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं डॉक्टर। और तुम बहुत बहादुर लड़की हो सई, जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की काबिलियत रखती हो। तो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड और डॉक्टर पुलकित को अंदर बुला सकती हूँ? वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुलाऊं?